हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पॉलीनोमियल, जो कि सीएसआईआर नेट और गेट के एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही है। और इसमें जो 5 और 6 मार्क्स जो आते हैं पूछते, वो फ्री के रहते हैं। इसको कोई भी बच्चा आसानी से सीख सकता है। अगर आप 12th क्लास के ही बच्चे को लाते हो तो वो भी आसानी से इसको सीख सकता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में एकदम जीरो लेवल से बात करने जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से। तो देखते हैं क्या होता है रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल पॉलीनोमियल का स्टार्टिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। आप इस थ्योरम को पहली बार 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो। ये थ्योरम आपको पता है तो क्या, आप ये थ्योरम के बारे में आपको पता होगा क्या कहता है ये थ्योरम? आपको पता है इसे क्या है कि अगर आपके पास एक पॉलीनोमियल है और ये पॉलीनोमियल x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है। आपको एक पॉलीनोमियल दिया गया है और उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड कर किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड किया जा रहा है। इसका जो रिमाइंडर आएगा वो एफ ऑफ ए रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीनोमियल दिया हुआ है और उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है और उसको आपसे पूछा है रिमाइंडर निकालने के लिए, तो आप कुछ मत करो, आप जो x माइनस से डिवाइड किया जा रहा है वो a को आप इस पॉलीनोमियल में पुट कर दो, जो वैल्यू आया दैट इज योर fa, दैट इज योर रिमाइंडर। ये आपका हुआ रिमाइंडर थ्योरम। आपको इसलिए हम बता जा रहा है क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आता है आपका एक फैक्टर थ्योरम, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आप 9th क्लास में पढ़े हो। ये क्या कहता है कि अगर कोई क्या है कि x माइनस a इज a फैक्टर ऑफ एफ एक्स। मान लीजिए कोई आपको पॉलीनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, उसका अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो इफ एंड ऑनली इफ एफ ए इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉलीनोमियल का एक्स माइनस ए फैक्टर है तो वो उसका रूट होगा, अगर वो रूट होगा तो फैक्टर होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों तरफ से ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये है तो ये है। ये हुआ आपका फैक्टर थ्योरम और ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम। ये जो थ्योरम जो दोनों हैं यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रोल पड़े होंगे कि हम लोग क्या करते थे। कोई एक पॉलीनोमियल दिया जाता था मुझे, ये तो फेमस पॉलीनोमियल आपके लिए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका मुझे अगर निकालना है फैक्टराइज, मतलब उसका रूट निकालना है, तो क्या करते थे, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। क्या करते थे, ये दोनों जीरो है इसका मतलब कि एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू थ्री। ये जो हमारा काम था, ये हम लोग 8th क्लास में ऐसा करते थे। मतलब अगर कोई पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसको हम लोग फैक्टर तोड़े मतलब इसका फैक्टर हुआ तो उसको मुझे रूट मिल गया, मतलब लीनियर होने पे रूट मिल रहा है, क्लियर ना। अब इसी में हम बात करना चाहते हैं कि मतलब कोई पॉलीनोमियल जो दिया हुआ है तो उसको हम लोग रूट कैसे निकालेंगे। ये हमारा 8th क्लास का प्रोसीजर होता था। मान लीजिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, एकदम DD1 से। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपसे ये बोला गया कि आप बताओ कि ये जो पॉलीनोमियल है वो रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है। आप मतलब इसको क्या आप इसको पॉलीनोमियल में तोड़ सकते हो, दो पॉलीनोमियल में तोड़ सकते हो? तो कोई स्टूडेंट आकर मुझे बोलेगा ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो क्या ये अलाउड है? इट इज़ नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि जो आपने तोड़ा है रूट एक्स वो एक पॉलीनोमियल नहीं है। हम जानते हैं कि पॉलीनोमियल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। पॉलीनोमियल है ही नहीं तो ये टूटेगा ही नहीं। इसका मतलब 1 डिग्री का पॉलीनोमियल। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है, 2x प्लस 4। अब पूछा जाएगा आपसे क्या ये फैक्ट या क्या ये पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है? कोई बच्चा के बोलेगा ये इसको हम लोग 2 कॉमन ले लिए, ये तो क्या ये तो ये भी तो टूट गई, तो ये क्या किया मैंने, कॉन्स्टेंट को कॉमन ले लिया। तो कॉन्स्टेंट को कॉमन लेना भी फैक्टराइजेबल नहीं कहलाता। फैक्टराइजेबल तब होता है कि जब दोनों ब्रैकेट में x का पावर x मुझे दिखना चाहिए, दोनों ब्रैकेट में x दिखना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेबल। यहाँ तो x है बट यहाँ नहीं है, तो ये फैक्टराइजेबल नहीं हुआ, ये भी इरिड्यूसिबल हो। कैसा हो गया ये? इरिड्यूसिबल। ये भी कैसा हो गया? इरिड्यूसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंक्लूजन से क्या निकाले? इस कंक्लूजन से ये निकला है कि अगर आपके पास कोई भी 1 डिग्री का पॉलीनोमियल दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई भी 1 डिग्री का पॉलीनोमियल दिया हुआ है तो वो ऑलवेज इरिड्यूसिबल होता है, मतलब नॉन फैक्टराइजेबल होता है, वो फैक्टराइजेबल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं 2 डिग्री पे और 3 डिग्री। कोई भी पॉलीनोमियल दिया हुआ है डिग्री 1 का तो वो ऑलवेज इरिड्यूसिबल होगा, ओवर एन आईडी, बेटर होगा ओवर एन
आईडी। अगर आपके पास कोई भी पॉलीनोमियल दिया हुआ है डिग्री टू और डिग्री थ्री, जानते हैं कि डिग्री टू का जनरल क्वेश्चन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास जनरल क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यही क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये हमारा टू डिग्री का पॉलीनोमियल है, जान रहे हैं। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे छूटेगा, यही ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, हम लोग जनरल से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, दो डिग्री का पॉलीनोमियल मुझे तोड़ना है, तो जाहिर सी बात है हम एक लीनियर में टूटेगा ना, मतलब वन ओवर में टूटेगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ डेढ़ और हाफ में तोड़े, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉलीनोमियल ही नहीं होगा, मुझे तोड़ना है पॉलीनोमियल में ही। मतलब क्या हुआ, ये टूटा तो क्या हुआ, लीनियर और लीनियर में टूटा, मतलब अगर पॉलीनोमियल होगा तो वो जो टूटेगा वो लीनियर इंटू लीनियर में ही टूटेगा, यही पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं टूट रहा है इसका मतलब वो फैक्टराइजेबल नहीं है, वो इररिड्यूसिबल है, ये क्लियर हुआ। अब सेम है, अगर आप क्यूब को क्यूबिक लेते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिया है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल दिख रहा है मेरे को, और ये अगर टूटेगा कोई भी, अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल टूटेगा तो या तो उसका दो दो तरह से टूटेगा, या पहला क्या हुआ, वो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में टूटेगा, ठीक है, फर्दर ये ब्रेक होता है तब ये फिर टूटेगा लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर में, लेकिन अगर बाय द वे ये फर्दर ब्रेक नहीं होता है तो या फिर इसी फॉर्म में टूटेगा। इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक रूट तो मुझे मिल ही रहा है ना। अभी मैंने बात की एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एंड ऑनली इफ एफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब अगर x माइनस इज ए फैक्टर, मतलब कोई पॉलीनोमियल का x माइनस ए फैक्टर है तो उसका a रूट है। यहाँ से मुझे क्या निकला कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक मुझे दिया हुआ है तो वो जो टूटेगा वो लीनियर इंटू लीनियर में ही टूटेगा, और कोई भी क्यूबिक दिया हुआ है पहले टूटेगा वो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, और अगर वो क्वाड्रेटिक टूट रहा है फर्दर तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो और थ्री डिग्री का पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसका कम से कम उसका एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप, मुझे एक तो दिख ही रहा है यहाँ, एक तो दिख ही रहा है यहाँ, तो दोनों दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मुझे टूट गया तो तीनों दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इस कंक्लूजन से ये निकलता है कि अगर आपके पास कोई भी टू और थ्री डिग्री का पॉलीनोमियल दिया हुआ है आपको, और अगर आप उसको रूट निकाल पा रहे हो तो फैक्टराइजेबल है, अगर रूट नहीं मिल रहा तो फैक्टराइजेबल नहीं है, क्लियर है। इसी वे में हम एक दो प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं, जो कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कहाँ पूछा है, ओवर जेड टू, क्या है मॉडुलो टू प्लस मॉडुलो टू इंटू मॉडुलो टू, टू मॉडुलो पे ओवर जेड टू पे मुझे चेक करना है। ये जो पॉलीनोमियल है ये दो डिग्री का पॉलीनोमियल है, फर्स्ट डिग्री का पॉलीनोमियल देख ही चुके कि फर्स्ट डिग्री का पॉलीनोमियल ऑलवेज इररिड्यूसिबल होता है, हम यहाँ बात कर रहे हैं दो डिग्री का पॉलीनोमियल पे, कहाँ चेक करना है मुझे जेड टू में, तो जानते हैं जेड टू में कौन कौन एलिमेंट होते हैं, आप जेड टू में क्या क्या होता है, जीरो और वन होते हैं, ठीक है, क्या होगा इसमें जो होगा वो टू बिहेव करेगा जीरो की तरह, ये सब ध्यान देने वाली बात है, टू बिहेव जो है वो जीरो की तरह बिहेव करेगा, वन करेगा माइनस वन की तरह, ये दो ये निकला यहाँ से आउटपुट, टू जो होगा वो जीरो की तरह बिहेव करेगा और वन जो होगा माइनस वन की तरह बिहेव करेगा। अब आते हैं इसमें, मतलब क्या हम क्या देखते हैं, दो डिग्री का पॉलीनोमियल है तो इसमें कौन कौन पॉसिबल एलिमेंट है, जीरो और वन, तो देखेंगे पर इसका जीरो वन रूट है कि नहीं, देखिए तो अगर एफ एफ जीरो पुट कर रहे तो क्या आएगा, जीरो वन आ गया, तो f वन क्या आ जाएगा, वन प्लस वन मतलब टू, टू का मतलब जीरो, टू का मतलब जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वन है इसका रूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वन है इसका एक रूट है, इसका मतलब ये जो पॉलीनोमियल क्या हुआ है, एफ एक्स इज अ इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर एन, ये जरूर लिखना है ओवर जेड टू, मतलब सिंपल, अगर रूट मिल गया है, रूट यहाँ पे देखे कि वन इसका रूट मिल गया है तो ये फैक्टराइजेबल है, तो फैक्टराइजेबल मतलब इररिड्यूसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए इसमें इसका जो रूट मिला वो क्या मिला, हमको दिखना है कि वन है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो रूट मिला है एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स वन। अगर इस पॉलीनोमियल को हम लोग एक तरीके से देखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, वन माइनस वन के बराबर है, तो अगर हम चाहें तो माइनस वन की जगह पे हम प्लस वन मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब सब सारे इक्वल है, सारे इसके ही आंसर है,
तो क्या होता है कभी कभी क्या ना, एग्जाम में ना आपको चारों आंसर दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, और आपसे पूछेगा विच वन इज ट्रू। तो कोई बच्चा, तो अगर अगर ये आपको नहीं ध्यान है, ये आपको ध्यान नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसमें मिस्टेक तो करोगे ही करोगे। बट अगर आपको ये पता है तो ये चारों आंसर है, इसका मतलब अगर आप चाहे इसको इसको आप ऐसे लिखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख लो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका आंसर ये भी है, मतलब सब इक्वल है, इसके सारा सारे फैक्टराइज वाले एक ही होंगे आपके। तो दिस वे में हम लोग आराम से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।